न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पिछले साल मैंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार सीएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगी, यह अब शुरू हो गया है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ कॉलेजियम में मौजूद भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि हम यहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए हैं, हमें उनसे कई उम्मीदें हैं। वाशिंगटन डीसी से आए हैं, सुबह 2:30 बजे निकले थे, वहां से पूरी बस आई है हमारी करीब 40 लोगों की और सारे रास्ते काफी जोश भरे नारे लगाते हुए आए हैं। वी आर हियर टू सी मिस्टर मोदी, मोदी जी को देखने आए हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए NRIs के लिए और अमेरिका में रह रहे भारतवासियों के लिए क्या क्या करेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जैसे इमिग्रेशन टाइप की चीज़ें हैं जिनसे हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। श्री श्री रविशंकर ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि सुना था कि 1857 में गोमांस होने की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसके बाद तिरुपति लड्डू को लेकर जो हुआ वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ा आघात है। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई, उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है ये अक्षुण्य अपराध है, जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि TMC के पास कोई योजना नहीं है। पिछले साल बाढ़ आई थी, उससे एक साल पहले भी बाढ़ आई थी। देखिए ये खराब हो रहा है कि कुछ सरकार की कोई प्लानिंग नहीं। पिछली बार भी बाढ़ हुआ था, उससे एक साल पहले भी बाढ़ हुआ था, आगे आने वाले साल में भी बाढ़ होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को बोलिए कि लास्ट एक साल में बाढ़ को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने क्या प्लानिंग की है, कितने डैमों की, छोटे छोटे जो डैम होते हैं रिवर बैंक जिसे बोलते हैं, वहां पे कितना रिपेयर का काम हो। आप किसी भी जिले में जाइए, वहां पे कैमरा लेके पहुंच जाइए, वहां पे लोग बैठते हैं, उनको पूछिए सरकार आती है यहां पे, बोले नहीं आती। रिपेयरमेंट होती है, नहीं होती, साल भर कुछ नहीं होता, पैसा सब आता है, सब पॉकेट में घुस जाता है तृणमूल कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि कहीं न कहीं यह संबंधित विभाग की विफलता है कि वो इसका पता नहीं लगा पाए और आम लोगों के खाने में लगातार हो रही भारी मात्रा में मिलावट का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का एडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो एडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है।